आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं सर। देखो मैं हमेशा बदमाशी का काम किया ना, पुलिस वाले से हमेशा डरता रहा हूँ, पुलिस वाले बहुत मारते रहे मेरे को। अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से? नहीं नहीं, मैं अभी यार सीधी सी बात है कि फर्स्ट टाइम ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है और उसमें मेरी तरफ से जो भी पार्टिसिपेशन के लिए मुझे बुलाया गया है, मैं उसके लिए आया हूँ। स्पाइट ऑफ ऑल दिस रेन एंड ट्रैफिक के ऑल दैट, आई विश द अवार्ड गिवर्स ऑल द बेस्ट एंड वन मोर अवार्ड इन द कंट्रीज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड आई थिंक more functions, more award functions. Sir, but in what category have been nominated? Who? You. No, no, you're giving award. Sir, Zoom se. Zoom se, aapko maloom hai ye function kya hai? Haan sir. Kya? Get together award. Kisko award mil gaya? Rakesh Mahira ji aa rahe hain sir. Arre award kisko mil gaya? Police walon ko mil gaya. Haan. Aur to mere, main to actor hu. Sir, lekin aapko to kaha you are bonding with cops very well. Sir, sir, sir. Sir, sir. Sir, sir. Sab aise logon ko award diya jata hai jinka koi nahi pata hai, bade kam hai. अभी अवार्ड जो होता है हमेशा इट्स अ गुड थिंग एंड जिसको मिलता है उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं मिलता उसको नेक्स्ट टाइम हो, इट इज ऑलवेज अ रीजन टू पिक अप वन। मेरी कोई फिल्म देगी तो क्या करता हूँ, फिल्मों में क्या करता हूँ, फिल्म का क्या हालत होती है I designed my own dresses and I don't wear branded clothes and whatever suits me, but I'm comfortable. I use those dresses, I don't care how I look or I don't look, as far as I'm not looking like that. Right? All the best. ये सब लड़कियाँ इधर ही क्यों खड़ी हैं? अच्छा अच्छा इसके डैडी का बर्थडे था ना, मिथुन का लड़का है नहीं ना? ग्रेटेस्ट एबिलिटी के इंसान में क्या है, इट्स द एबिलिटी टू सैक्रिफाइस। और जैसा आप देख रहे हैं अभी प्राइड अवार्ड्स है, आई थिंक इट्सेल्फ, आई थिंक ये जो ऑफिसर्स के हम लोग सब कर रहे हैं आज,
to give them recognition. I think it's very less compared to what they've done for us. जो बोलते हैं ना कि हम लोग चैन के नींद क्यों सोते हैं, बिकॉज दीज ऑफिसर्स आर आउट देयर डूइंग देयर ड्यूटी फॉर अस, एंड आई थिंक जितना भी हम इन लोग के लिए करें, जितना भी प्यार इज्जत हम इनको दें, आई थिंक इट्स वेरी लेस, बिकॉज हम लोग तो बस ऑन स्क्रीन मेकअप डाल के कपड़े पहन के फाइटिंग करते हैं, बट दीज आर द रियल ट्रू हीरोज ऑफ महाराष्ट्र, ऑफ द एंटायर नेशन. आई थिंक एवरी स्टेट इन द कंट्री, एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल शुड सल्यूट देम और बोलने चाहिए थैंक यू. आई थिंक द एबिलिटी टू नेवर गिव अप, बिकॉज अगर हम लोग ने हार मान ली देन हम लोग की खुद की आइडेंटिटी खो जाती है. लेकिन आपके जीवन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे आप कहते हो कि जिसे आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं? जिसे मैं जानता हूँ और जिसे मैं पहचानता नहीं, आई थिंक इट विल बी माई अदर हाफ, जिसे से हम कहते हैं ना, बिकॉज जिन जिन लोगों को मैं जानता, लाइक माई फादर इज़ माई हीरो. इनफैक्ट आज फादर्स डे भी है, तो आई थिंक दैट माई ट्रू हीरो इज़ माई फादर. और उनके अलावा जैसे आपने कहा जिनको मैं जानता हूँ पहचानता नहीं, आई थिंक इट विल बी माई ओन अदर हाफ, बिकॉज जब भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था एक आवाज़ आती थी अंदर से कि यू नो मीमो वन मोर राउंड, वापस उठो, वापस लड़ो, वापस कदम आगे बढ़ाओ. तो आई थिंक इट विल बी माई अदर हाफ. नॉट सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग, सेल्फ इवॉल्विंग आई थिंक, या बिकॉज आई बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बींग जस्ट इवॉल्व्स टू समथिंग बेटर. अगर मैं अपने आप को 5 या 6 साल पहले देखूँ और अगर आज मैं अपने आप को देखूँ, आई थिंक इट दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपन फ्रॉम विदिन, क्योंकि लोगों ने ज़रूर उनका प्यार दिया है, लोगों ने उनके कॉमेंट्स दिए, पर खुद ब खुद जो एक अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपने देखा अभी मेरा एक न्यू लुक है, तो जो मेरा एक न्यू लुक है वो एक मल्टी स्टारर फिल्म में अभी बहुत जल्दी साइन करने वाला हूँ. ऑफकोर्स जो मेरे प्रोड्यूसर हैं फिंगर्स क्रॉस, उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, उन्होंने कहा था कि अभी के लिए कुछ ना कहो तो बेहतर है, बट इश्क दारिया के बाद बहुत लोगों ने कॉल किया, बहुत लोगों से मिला और अब जाके एक फिल्म मैंने हालांकि में साइन की है, तो उसकी वजह से ये न्यू अवतार है, न्यू लुक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को. इट्स अ वेरी रियल फिल्म जैसे हम कहेंगे, ऑफकोर्स कमर्शियली हम लोग ने बनाई है, बट इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म एंड आप बहुत न्यू अवतार न्यू लुक में देखेंगे. नेगेटिव नहीं है, रियल है, जैसे मैंने आपको कहा है कि बिकॉज आई वॉन्ट टू डू फिल्म नाउ कि जो लोगों को ऑफकोर्स एंटरटेन कर पाए और उसके साथ ही अपने आप को एज एन एक्टर में इम्प्रूव कर पाऊँ, तो आई थिंक कि ये एक रोल मुझे ऐसा मिला है, तो उसके बाद मेरी एक्साइटेड अबाउट. थैंक यू सो मच. Actual heroes, so I'm pretty excited about to be a part of this whole family. Yeah. So, लेकिन बहुत संभल के comic timing होनी चाहिए क्योंकि police ऐसे कुछ गलती से कुछ गलत बोल दिया आपने. वैसे जब मैं host करता हूँ जितने shows, तो बहुत ज़्यादा rehearsals नहीं करता. इसके लिए मैंने कुछ खास rehearsals किए कि कुछ गलती ना हो जाए, ताकि you know stage से सीधा behind the bars. So I'll just take care. But I'm sure you'll do lots of fun. आपके जीवन में ऐसा कौन है जिसे आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं? I think मैं कहूँगा कि मेरे नहीं, सभी के जीवन में, खासकर जितने पुलिस वाले हैं,
वो ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं, जानते इसलिए क्योंकि उनके कारण हम लोग उनकी नींद सो सकते हैं घर पर, हम जानते हैं कि वो हमारे लिए हैं इसलिए जो हमारी ज़िंदगी है बड़ी आसान है। पर्सनली हम नहीं पहचानते, एक चेहरा नहीं है, बट आई थिंक एक फोर्स है जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा सैल्यूट करते हैं। आई थिंक दे आर द पीपल हु मेक अस बिलीव दैट वी आर सेफ इन दिस सिटी। लेकिन सर आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि मुंबई पुलिस इज ओनली पास्ड आउट सेइंग दैट कि सेलिब्रिटीज के पर्सनल बॉडीगार्ड्स या फिर सिक्योरिटी पे जो ध्यान दिया जाता है उतना दिया ना जाए क्योंकि देयर आर मेनी मोर मैटर ऑफ कंसर्न टू बी देयर इन द नेशन। सो व्हाट अबाउट दैट? आई टोटली एग्री। आई थिंक हमारे जितने भी एक्टर्स हों या कोई भी सेलिब्रिटीज हों उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यू नो शहर की और तकलीफें हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात पर यू नो मैं कहूँगा, मुझे याद है कि जब हैप्पी न्यू शूट चल रही थी तो हमारे लिए भी लगाई गई थी, मैं उनसे रोज़ रिक्वेस्ट करता था कि सर नहीं ज़रूरत है, आप जाइए आप यू नो किसी और के लिए आप जाएँ, मुझे ज़रूरत नहीं। बड़ा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें भूल जाएँ, सबका ध्यान रखें। सुनो बारिश का मौसम है जी, और अगर बॉलीवुड में से अगर आप कभी गाड़ी में अगर लॉक हो जाए तो ऐसा कौन सा बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस होगा जिस तरह लॉक होना चाहेंगे अपनी गाड़ी? अरे यार पहले तो निकलने की कोशिश करूँगा कि लॉक हो गए तो कुछ और तकलीफ ना आ जाए। बट आई वुड से मैं कहूँगा कि क्यों ना मेरी हैप्पी न्यू ईयर की टीम हो और पूरी यू नो चारों का हम लोग सब हों, अपने गैजेट्स लेके बैठे हैं फीफा खेले, ताकि अगर टाइम नहीं कट रहा और लॉक हो गए हो कुछ करने के लिए नहीं है तो अधिक फीफा खेल के खूब घंटों हम लोग बिता सकते हैं जो हमने बिताए भी शूट के दौरान। सो आई वुड लाइक टू हैव माई हैप्पी न्यू ईयर टीम लॉक विद मी। जी मैं कहूँगा कि या ऑफ कोर्स यू नो शाहरुख इज़ अ ग्रेट होस्ट, मैं हमेशा टाइमिंग की बात करता हूँ, शाहरुख इज़ अ ग्रेट, उनकी टाइमिंग बहुत कमाल की है एंड आई ऑलवेसली बिलीव दैट यू नो शाहरुख इज़ वन ऑफ द बेस्ट होस्ट वी हैव इन दिस। मुझे मैं कहूँगा कि मैं किसी फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आया हूँ, छोटे से शहर मोगा से आया हूँ पंजाब से, मुझे लगता है कि शहर में कुछ थोड़ी बहुत जगह मैंने बना ली है लोगों के दिलों में, सो गर्व महसूस होता है मुझे। आई थिंक माँ बाप की दुआएँ हैं जिनके कारण यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, सफर अभी भी लंबा है लेकिन जारी है। सुनने को मिला था कि हैप्पी न्यू ईयर आपने एप्लीकेशन किया तो ऐसा सुनने को मिला था कि हैप्पी न्यू ईयर सीक्वल वाली की कितनी सच्चाई है बात का है तो कब तक आप एक्सपेक्टेड आने? मैं हम तो फारा को सभी एक्ट्रेस बोलते रहते हैं कि जल्दी से स्क्रिप्ट लाओ, वो भी ढूंढ रही है पर उम्मीद है कि जल्दी कोई स्क्रिप्ट ऐसी मिलेगी और हम लोग वापस आ पाएंगे सेट में। फारा भी लंदन में है तो हो सकता है वहाँ पे उसकी कुछ घंटी बजे और उसको कुछ स्क्रिप्ट याद आए, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे खड़ी देख के 3 से 4 मिनट लगे यार क्योंकि मैं बाजू में शूट भी कर रहा था इसलिए मेकअप में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट शूट पहना आ गया मैं। सर लेकिन स्टार्स इतने सीक्रेटिव क्यों होते हैं अपने पर्सनल लाइफ को लेके, पर्सनल रिलेशनशिप को लेके सर? बिकॉज एवरीवन आर सो सीक्रेट अबाउट देयर गर्लफ्रेंड, दे डोंट लीक आउट थिंग्स, दे डोंट लाइक टू फेस रिपोर्ट्स ऑन द स्टोरी, दे गेट डिसअपीयर्ड, व्हाट इज द बेसिक रीजन? मैं कहूंगा कि आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है वो, जब मीडिया इतनी स्ट्रॉन्ग है, देखिए ना इतने कमाल के लोग हैं तो आप तो खुद ही जिंदगी में घुस ही जाते हो तो पता ही नहीं चलता। बट व्हाट इज द रीजन जब भी But, but I think everyone, you know, not only the actors, I think everyone wants to have their personal space. But this profession mein wo possible nahi hai. But I think har ek cheez ki keemat hoti hai. So I think no regrets. बड़ा कमाल का है, आई थिंक इज लुकिंग ग्रैंड लग रही है बड़ी, सलमान इज लुकिंग वेरी वेरी गुड, द फिल्म इज लुकिंग वेरी बिग, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड वाचिंग द फिल्म एंड आई होप इट विल बी वेरी वेरी गुड। सो ओवर क्वेश्चन, कभी बारिश की वजह से योर शूट गेट्स कैंसिल, सो व्हाट इज द प्लान बी दैट यू ऑलवेज हैव इन योर माइंड, यू हैव एनी प्लान? प्लान भी कि बारिश में भीगो आई थिंक बड़ा कम मौका मिलता है, बचपन में हम लोग बहुत करते थे, आई थिंक अभी हम लोग थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं, बट आई थिंक एंजॉय करो बारिश में, खेलो फुटबॉल खेलो कुछ ना कुछ, क्रिकेट खेलो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Concentrate, but you're back there.